छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए मत झुको अनय पर भले व्यों फट जाए। दो बार नहीं अमराज कंठ धरता है, मरता है जो बस एक बार मरता है। अंग्रेजी भाषा मुझे कभी बाधक नहीं लगी, पर जहाँ मुझे दिक्कत हो तो मैं साफ कह देती हूँ हिंदी में बात करो। असंभव को संभव बनाना मेरी सोच रही हमेशा। यह है उत्तरी दिल्ली नगर निगम की महापौर मीरा अग्रवाल, जो हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली नगर निगम के चुनाव में अशोक विहार सावन पार्क से उत्तरी दिल्ली की मेयर चुनी गई है। दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुआ जिसमें मैंने अशोक विहार सावन पार्क से मैंने जीता और निगम पार्षद बनी। निगम पार्षद बनने के बाद ये जो कॉरपोरेटर सारे निगम पार्षद मिलकर मेयर का चुनाव करते हैं, उसमें मैं महापौर बनी हूँ। दिल्ली जैसे शहर में महापौर यानी महापौर तो सेरिमोनियल वैसे पोस्ट है, लेकिन लोगों को लगता है कि उनसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई अगर है तो वो महापौर है। राजनीति के प्रति मीरा तब गंभीर हुई जब उनके पिता ने एक चुनावी सभा में उनसे एक कविता को पढ़ने के लिए कहा। मीरा नहीं जानती थी कि इस क्षण में छिपा है उनके भविष्य का सूरज। फिर क्या था, मीरा के ये कदम आगे बढ़ते गए। मॉरटॉन का एक व्यापारी परिवार के में मेरा जन्म हुआ। मेरे बहूजी वैसे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और एक इलेक्शन मीटिंग उन्होंने की मॉडल टाउन में। उस समय उनको वक्ता नहीं मिल रहे थे, श्रोता भी नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे मीरा कविता बोलोगी क्या? और मैंने कहा ठीक है। स्कूल में जैसे डिबेट और कविता मैं बोलती रहती थी तो मुझे अभी भी ध्यान है रामधारी सिंह दिनकर की कविता थी, छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए मत झुको अनय पर भले व्यों फट जाए। दो बार नहीं अमराज कंठ धरता है, मरता है जो बस एक बार मरता है। वो कविता मैंने कहीं पढ़ी थी और वो मैंने वो स्टेज पे बोली और लोगों को पसंद आई। बस वही जो कविता लोगों को पसंद आई और मुझे जो अप्रिसिएशन मिला ना, उसी से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीति की नींव जो है वो पड़ गई। मैंने 1977 में पास आउट किया स्कूल से। एक्चुअली वो दिन वो थे जब इमरजेंसी हटी थी, तो थोड़ा सा आम आदमी का भी एक रुझान जो है ना वो राजनीति की तरफ हो गया था, क्योंकि खबरें बहुत आ रही थी उस समय में। और मेरा ही तो पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल थी। कॉलेज में विद्यार्थी परिषद की मैं सदस्य रही, छात्रा प्रमुख रही दिल्ली की, जॉइंट सेक्रेटरी पूरी दिल्ली यूनिट की, और विद्यार्थी परिषद में काम करते करते हम लोग आसाम तक गए। बांग्लादेश से जो विदेशी घुसपैठ हो रही थी उसको रोकने के लिए उन दिनों में आसाम गण परिषद और स्टूडेंट्स यूनियन, वो लोग काफ़ी बड़ा उन्होंने एक मूवमेंट चलाया हुआ था। पूरे हिंदुस्तान से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी उसमें गए और मैं गई। डूसू की सेक्रेटरी थी उस समय, और कहते हैं ना जो होना होता है वही होता है। पुलिस की एक लाठी मुझे पड़ी हाथ पे और एक पांव पे, सबसे आगे आगे हम लोग थे दिल्ली के लोग, तो अखबारों में खबर बनी और कहीं ना कहीं घर तक खबर पहुँची। हम अभी आसाम में थे, मम्मी वगैरह को चिंता हुई, लेकिन जब आए तो पूरे मॉडल टाउन से जो रिश्तेदार और सब लोग मिलने आए, तो उससे फिर चीजें फिर उसमें जुड़ा होता चला गया। और फिर आया मीरा की जिंदगी में एक खास लम्हा। मीरा पर्ण सूत्र में बंधी और उन्होंने अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों को वरीयता दी। और उसे निभाते हुए मीरा ने फिर कदम बढ़ाए राजनीति की ओर।
शादी के बाद मैंने 5-6 साल कुछ नहीं किया। मेरे को लगा कि वो जो एक मेरे परिवार वालों को ये है कि डूसू को इलेक्शन लड़ी हुई है तो पता नहीं क्या होगी, तो उनका विश्वास मैंने पूरा लिया। उसके बाद 93 में क्योंकि वो सब पहले विद्यार्थी परिषद में काफ़ी अच्छे लेवल तक किया था, तो 93 में साहिब सिंह जी और ओम प्रकाश जी कोहली, जिनके साथ मैंने ओम प्रकाश जी कोहली के साथ विद्यार्थी परिषद में काम किया था, तो उनकी तरफ से बात आई कि महिला मोर्चा में आप जिम्मेदारी संभालो दिल्ली की। और मुझे भी लगा कि मैं बच्चों से अब थोड़ा फ्री हो गई हूँ और ये सब छोड़ के अब थोड़ा निकलूँ, बहुत घर में रह ली हूँ। तो फिर मैंने यहाँ बढ़ी। 1997 में मैंने इलेक्शन लड़ा दिल्ली नगर निगम का, महिलाओं का 33% रिजर्वेशन का इसमें आता है, 33% रिजर्वेशन में मॉलडाउन से मैंने इलेक्शन लड़ा और जीता बहुत भारी उससे। उस समय ये था कि मीरा को शायद मेयर बनाएंगे, अखबारों ने पायनीर वगैरह ने काफ़ी लिखा, लेकिन पार्टी में शकुंतला जी का योगदान मेरे से बहुत ज़्यादा था, तो शकुंतला जी महापौर बनी। लेकिन नाम क्योंकि एक बार चर्चा में आ गया था तो कहीं ना कहीं पूरे 5 साल चीज़ों को मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। पहले साल डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, दूसरे साल डिप्टी मेयर ऑफ दिल्ली, तीसरे साल एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन, इस तरह 5 के 5 साल मुझे एक जिम्मेदारी दी। आपने मुझसे शेयर किया था कि कुछ इस तरीके की व्यवस्था आपने की है जिससे कि अगर लोगों को कोई दिक्कत हो तो वो अपनी डाक आप तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे थोड़ा नहीं, मेरे को मतलब अगर किसी को कोई समस्या है वो मुझे फ़ोन करे, मुझे ईमेल करे, मैंने अपना ईमेल एड्रेस अपने ऑफिस वगैरह में दिया हुआ है। उसके अलावा एक शक्ति नगर एक्सटेंशन में मेरी ऑफिस है जहाँ मैं 10:30 से 12 तक होती हूँ। 10:30 से पहले 10 बजे तक यहाँ महापौर निवास पे लोग मिल सकते हैं और 2 से 4 सिविक सेंटर में मिल सकते हैं। और जो भी मेरे पास पत्र आता है कोशिश रहती है कि उसको प्रॉपर उसका रिप्लाई भी मिले और उस पर कुछ ना कुछ एक्शन भी। आप कॉलेज के ही टाइम से राजनीति में हैं, आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो किस तरीके से अपने करियर को और अपने उस बीते हुए पल को महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं कि वो एक वक्त था जब मीरा ने असम में जाकर, मैं सही बोल रही हूँ, तो लाठी खाई थी, आप अनशन पे भी बैठी हैं, आपने किया जो आपको उचित लगा, अब आप कैसा महसूस करती हैं कि अगर वो वक्त दोबारा आए तो क्या मीरा सबसे पहले खड़ी होगी? अच्छा नहीं, अब मुझे जोश के साथ होश भी आ गया है। पहले नहीं था, पहले सिर्फ जोश था। लेकिन अब चीज़ें मुझे ये ध्यान में है कि चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत सी और बातों की भी ज़रूरत है। हमें अपनी स्किल को मजबूत करना, अपनी पेपर वर्क पूरा करना और चीज़ों को करना। और ठीक है, लाठी की जरूरत पड़ेगी तो लाठी निकालेंगे, लेकिन इतने जोर से निकालेंगे। आज मीरा के कंधों पर दिल्ली के उत्तरी इलाके की जिम्मेदारियां हैं और इस जिम्मेदारियों के प्रति वो बेहद सजग हैं। वो नहीं चाहती हैं कि जनता उनसे मायूस हो, इसलिए वो हर मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर हैं। एक तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, बहुत करने के बाद भी दिल्ली में मन मुताबिक सफाई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए कहीं ना कहीं लगातार हमारे प्रयास जारी हैं, उसको और इम्प्रूव हो, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ खाली हो, क्योंकि सड़कों पे इतनी भीड़ हो गई है और पैदल आज के समय में आदमी चल नहीं पा रहा है, फुटपाथ एनक्रोच हैं। इसके अलावा ग्रीनरी ज़्यादा हो, हरित दिल्ली हो, और प्राइमरी एजुकेशन पर, प्राइमरी एजुकेशन में अगर बच्चों को ठीक एटमॉस्फेयर या वातावरण मिलेगा तो भविष्य तो उन्हीं के हाथों में। मीरा आज मेयर होने के साथ साथ एक गृहिणी भी हैं। उन्होंने अपनी दोनों जिम्मेदारियों में संतुलन बिठाया है। आज भी राजनीति के प्रति अपने नजरियों को बताते हुए वो कहती हैं कि एक औरत के लिए राजनीति आसान नहीं, यहाँ औरत के लिए संघर्ष बेहद लंबा है। लंबे समय से राजनीति में अग्रसर हैं, आपको क्या लगता है क्योंकि महिलाओं के लिए किस तरीके का माहौल है, कैसा है वो राजनीति? लोगों के मन में आता है कि नहीं, राजनीति महिलाओं के लिए तो और भी मुश्किल भरा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल भी नहीं, बहुत मुश्किल होता है,
फीमेल्स को वहाँ पर बहुत संघर्ष करना पड़ता है, महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। राजनीति अपने आप में कुछ गलत चीज़ नहीं है, लेकिन आज के समय में सोसाइटी में जो लीडर्स का अपने आप में डिफिनेशन बन गई है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई माहौल कहीं ख़राब होगा। लेकिन फिर मेरा कहना है कि जो लोग परिपक्वता से और बाई नेचर इसमें आ रहे हैं, वो उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा कभी इस तरह की चीज़ों से, परिस्थितियों से उन्हें नहीं निकलना पड़ेगा। अब है क्या कि ग्लैमराइज होकर के कोई व्यक्ति तुरंत एकदम सोचे मैं आज ही कुछ बन जाऊँ, हाँ तो उसमें चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। संघर्ष है, हाँ संघर्ष है। नेचुरल चॉइस आप बनो, आप चीज़ों को अपने नेचुरल वे में करें। आपके पास गली के कुछ लोग, कोई जना अगर कोई बात कह रहा है और आपके अंदर से लगता है मैं इसकी मदद करूं, तो वो गुण आपका सामने दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आज औरत ने अपनी नेतृत्व क्षमता से ये साबित किया है कि औरत बेटर रोल के लिए बनी है। हमें क्षमता है कुछ करने की, कुछ बदलने की। ये कहना गलत ना होगा कि एक महिला ही दोहरी जिम्मेदारियों में बेहतर तालमेल बिठा सकती है। महिलाओं में बहुत क्वालिटी होती है, हर महिला में कुछ ना कुछ अलग है। और ऐसे मेरे को अपने में भी लगता है कि इतनी बारीकी से हर फ्रंट पे सेटिस्फाइड होना, चाहे पारिवारिक है, चाहे सोशल है और चाहे राजनीतिक है, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, सब चीज़ों को ठीक से किया तो अच्छा है। बीइंग ए मेयर ऑफ दिल्ली, मुझे दिल्ली के लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ करना है, और उसके लिए मैं लगातार सुबह से शाम तक किस तरह से इस व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन आए और जिससे यहाँ की सिविक एमिनिटीज़ बेहतर हो पाए, उसके लिए लगी हुई हूँ, परेशान हूँ, सोच रही हूँ। क्या हो पाएगा वो वक्त बताएगा।